आप लोग खड़े नहीं थे? खोले तब क्या हुआ? कहा था कि इसको खोले तो आप लोग खड़े हो। इसने मारा या शेरू ने मारा? मजे से खाना छाना इन्होंने खाया हुआ है, अभी सुकून में है बिल्कुल। रेड आइज रैबिट हमारे माशाल्लाह बहुत। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसा कि आपको बताया था कि नुमान साहब ने नया प्रोजेक्ट अपना, यानी कि नए बंदे को ले आए हैं और नया बंदे ने अपना काम शुरू कर दिया है। तो नुमान भाई वेल डन यार, खुश हुआ, दिल खुश हुआ, ऐसा बंदा होना चाहिए। कमिटमेंट का इन्होंने क्या कहा था कल? इंशाल्लाह दो दिन में कंप्लीट हो जाएंगे। दो दिन में? आप ये नुमान भाई कह रहे हैं? कल का दिन लगेगा, इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि आज और कल का दिन, कल की वीडियो और परसों की वीडियो में नुमान भाई की कमिटमेंट है, क्योंकि साबर भाई की कमिटमेंट नहीं है। साबर भाई गए, अब ये नुमान भाई कटिंग शुरू कर दी है। अच्छा अच्छा, इसको हमने कटिंग किया। अच्छा, मैंने आपको एक व्यू ऊपर का भी जाके दिखाता हूँ, कि ऊपर वाली साइड से इसका व्यू दिखाता हूँ कि मास्टर केज का और इस केज का, क्योंकि जब ये ऊपर से क्लोज हो जाना, चादरें लग जानी है, तो फिर आप ये देख नहीं सकेंगे ये वाला व्यू। तो आप बस केज कंप्लीट करें, केज कंप्लीट करें, खर्चा पानी की तरह बहा दें, इस टाइम कोई मसला नहीं है, काम होना चाहिए सुपर डुपर। तो वो रैबिट से भी दिखाएं ज़रा, बिल्कुल वो देखें, उनको खाना छाना डाला हुआ है। अंदर से आए, अंदर से एक छोटा सा विजिट रैबिट का दिखाते हैं जी। हाँ जल्दी हैं, जल्दी हो गया, चलें जी। ये देखें जी रैबिट्स, वो बैठे हुए हैं, मज़े से खाना छाना इन्होंने खाया हुआ है, अभी सुकून में है बिल्कुल। रेड आइज रैबिट हमारे माशाल्लाह बहुत खूबसूरत रैबिट है। जब ये आगे ना जी यार, मेल और फीमेल आपस में यार, जिनका कुछ पेयर बनेगा ना जोड़ा, तो फिर इनके बच्चे देखने वाले होंगे यार। अब इनके खाने में ना एक दफ़ा ये सारा सफाई करके ना, ये वाला फेंक के ना, इनको नया खाना डालना है जी। तो दोस्तों ये देख सकते हैं आप, कि ये आपको जो व्यू नज़र आ रहा है ये है मास्टर केज का। हमने ऊपर से व्यू लिया है क्योंकि आज ये चादरें, ये देखें चादरें लग जानी है और इस पर भी चादरें लग जानी है। दूसरे को दिखाता हूँ इशारा करके, ये वाला आम का दरख्त और ये वो जामुन का दरख्त, जो कि मास्टर केज के अंदर से ही जा रहा है। तो मैंने कहा मास्टर केज का एक व्यू आपको यहाँ से भी दे दूँ। अब आपको मैं जहाँ खड़ा हूँ यहाँ ये भी व्यू दिखाऊँ। ये है हमारा टॉप, यानी कि रूफ, छत समझ लेंगे, टॉप का एंड का। यहाँ पे मेरा फर्दर प्लानिंग ये कबूतरों का, यहाँ पे ना कोई खुडा और बड़ा बनाया जाए, क्योंकि नीचे कबूतरों का क्या इशू आ रहा है वो आप लोगों ने अक्सर वीडियो में देखा होगा। और दूसरा ये यहाँ पर देखें, कई जाले लगे हुए हैं, एक जाला ये लगा हुआ है, एक जाला बिल्कुल ये लगा हुआ है, इसी तरह एक ये लगा हुआ है, काफ़ी जाले लोगों ने काफ़ी कबूतर रखे हुए हैं। तो इस तरफ भी अगर आप देखें तो काफ़ी जाले हैं, एक वो है, एक वो है, एक ये है, यानी कि चारों तरफ कबूतर लोगों ने रखे हुए हैं, काफ़ी जाले ही जाले हैं। तो हम भी ऊपर इसलिए कह रहे हैं कि नीचे, जब नीचे का इशू क्या आता है वो मैं आपको दिखाता हूँ। नीचे का इशू ये आता है कि जब कबूतर हमारा उड़ के ना दरख्तों में बैठता है ना, तो फिर उसके बाद क्या होता है, तो उसको नीचे अपने घर की पहचान नहीं होती। तो ये देखें ना माशाल्लाह हमारे घर में काफ़ी ग्रीनरी है, दरख्त ही दरख्त हैं, तो वो दरख्तों के अंदर जाके जब नीचे से ना कबूतर उड़ता है तो उसको अपने घर की पहचान नहीं होती कि घर किस साइड पे है। तो ये देखें ना माशाल्लाह काफ़ी दरख्त हैं। तो इस वजह से हमारा ये प्लान है, हमारी ये सोच है कि हम इधर ही इस छत के ऊपर ना, तो हम ये बनाएं, एक बड़ा सा जाला बना लें और बड़ा सा खुडा टाइप ना यहाँ पर बना लें। तो आप लोग हमें बताइएगा कि छत पर कबूतरों के लिए सेटअप कैसा रहेगा, बेहतर रहेगा, तो हमें ज़रूर बताइएगा। मेरा दोस्त भी आ गया, अस्सलाम वालेकुम करदा जी सबको। हाँ जी, और ऊपर का क्या प्लान करें, खुडा कबूतरों का ऊपर बना लें? बना लें। ये देखें जी बना लें जी। ताहा भी आ गया, ताहा रैबिट्स कैसे हैं, ठीक हैं? रैबिट्स रैबिट्स वगैरह देखें आए, आओ चलो नीचे जाके रैबिट्स वगैरह देखते हैं। ओके हैं यार, इस टाइम बिल्कुल यहाँ पे आ चुके हैं। क्या जाए जी, आ जाएँ जी दाना डालने, चलें जी इनको दाना डालने के लिए। आ गया जी, आ गया, आ गया, आ गया यार, बिल्कुल बर्तन शर्तन खाली हो जाते हैं इस टाइम। यही ना, रोज़ के रोज़ इनको साफ़ करना पड़ता है, ये साफ़ ना करें ना तो बीमारी है। ये रोज़ साफ़ करके नया नीम गरम ताज़ा सा पानी डालना पड़ता है। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये भी इनकी फीड भी ख़त्म होगी यार, इनकी फीड भी नहीं लानी पड़ेगी। रोज़ के रोज़ दोस्तों इसकी सफाई लाजमी रखें अपने इन बर्ड्स की। ओए ओए ओए, वो शेरू के भाई को जरा देखो, क्या किया इस, ओए होए होए होए, ना कर यार, दोनों को वो देखिए जरा, इसने शेरू के भाई ने किया और को भी मार रहा है। ओहो, खूनो खून कर दिया यार। तो आप लोग खड़े नहीं थे? आप लोग खड़े नहीं थे? खोले तब क्या हुआ? कहा था कि इसको खोले तो आप लोग खड़े हो। इसने मारा या शेरू ने मारा? चलें ठीक है ठीक है, आगे वो ब्रेल कर देगा ना, वो कोई टेंशन यार। इसके इनको चूज़ों को अकेला नहीं ना छोड़ना। अब वो देखो फिर आया, इसको शेरू को पकड़ लो।
अब शेरू को दिल करता है बंद रखें। यारा इसकी फीड लेके आओ, मुर्गी की फीड उधर पड़ी हुई है। आ जा खा ले खा ले। ये देखें जी शेरू को भी हमने कहा थोड़ा सा डाल लेते हैं। आ जाओ तुम इधर आ जाओ। चलो शाबाश। दो जी ब्रेड दो, जल्दी से ब्रेड दो। दोस्तों अब यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं कि अगर ये घर से उड़ते हैं तो ये देखें चारों तरफ से, जो मैंने आपको ऊपर से व्यू दिखाया ना, चारों तरफ से दरख्त ही दरख्त है। तो यहाँ नीचे ही अपना घर ढूंढने में ना कबूतरों को मुश्किल होती है। दोस्तों ये देखें जिनको लकवा हुआ था ना, उनको हमने अलग रखा हुआ है, उनको इधर ही खाना छाना डाल लेते हैं। दो मक्की जो हमारे ब्लैक मक्की आपने देखे थे बहुत खूबसूरत जो हम लेके आए थे, वो दोनों मर चुके हैं इसी बीमारी की वजह से, इसलिए इनको अलग रखा हुआ है। और एक जो इसमें से ठीक हुआ था वो आज बच्चों ने उड़ा दिया है। वो यही हुआ कि इधर था अलग था, उसको खोला नहीं, वो उड़ गया। तो ये भी हमने अलग से रखा हुआ है इनको। दोस्तों कॉकटेल का विज़िट मैंने दो तीन दिन से आपको नहीं करवाया, इसलिए कि यार मैं कोशिश कर रहा हूँ कि उनको डिस्टर्ब ना करूँ कि वो नए घर में चले जाएँ। तो नए घर में जाने का हम इंतज़ार कर रहे हैं, इसलिए हम उनको तंग नहीं कर रहे। तो अजाने भी होने शुरू हो गई हैं, तो अब हम आपसे चाहेंगे इजाज़त। तो अल्लाह हाफिज़ करेंगे जी, यार हम आएँ जल्दी से, गुड बाय करें जी। अजान हो रही है, जल्दी से आओ, अल्लाह हाफिज़ कर दो। और जल्दी से मैसेज दे दो यार अपने दोस्तों को, और बेल आइकन पर क्लिक करना जी। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।